वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को पायरिया की बड़ी तकलीफ रहती है, पेरिडोंटाइटिस जिसको बोलते हैं हम, अगर वैसी तकलीफ रहती है तो मैं आज के वीडियो में आपको दो चीजें बताने वाला हूं। पहला, एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला बताऊंगा मंजन का, जिसको घर में बना लिया तो लाइफ जिंगलाला हो जाएगी, राइट। और दूसरा, जिनके मुंह से स्मेल बहुत आती है पायरिया की वजह से, अगर उस मंजन के साथ साथ उस चीज को आपने इस्तेमाल कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। पहले तीन दिन के बाद, चौथे दिन के बाद आप बताएंगे कि मुंह से स्मेल आनी बंद हो गई, राइट। ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला आपको दो चीजें देने जा रहा हूं। अच्छी तरह से ध्यान से एक एक चीज को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर चीज की असली सच्ची प्रॉपर नॉलेज मिल सके, राइट। तो क्या वो फॉर्मूला है, कैसे उसको बनाना है, आइए शुरू करते हैं। अगर आपके भी मुंह से स्मेल आती है, अगर आपके मसूड़े सूज गए हैं, स्वेलिंग आ गई है, और जब भी आप ब्रश करते हैं तो मुंह से मसूड़ों में से खून निकलता है और दांतों में पीलापन आ गया है, या दांत हल्के लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, या फिर दांत हिलते बहुत ज्यादा हैं, मसूड़ों ने दांतों को थोड़ा छोड़ दिया है, पकड़ कम हो गई है, तो ये सामान्य जो लक्षण हैं ये सारे पायरिया के हो सकते हैं, जिसको हम पेरिडोंटाइटिस और इनिशियल स्टेज को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, राइट। तो अगर ये तकलीफें आ रही हैं तो आज का वीडियो आप सबके लिए है। आपको क्या फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाना है, वो भी अभी बताता हूं। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज पायरिया के बारे में क्लियर कर देता हूं कि ये होता कैसे है। जब भी हम अपने मुंह की देखभाल नहीं करते हैं तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है दांतों पे, मसूड़ों पे, और जब प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं तो ये धीरे धीरे बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और जब इन्फेक्शन होती है तो फिर अल्टीमेटली गम्स जो हैं वो उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, यानी मसूड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, और फिर जैसे ही आप थोड़ा सा भी हल्का सा ब्रश भी करेंगे तो मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाएगा, दांत धीरे धीरे हिलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ये स्टेज चलती है, ऐसा नहीं है कि हफ्ते, दस दिन, महीने में ऐसा हो गया, धीरे धीरे स्टेज चलती है। तो इसलिए मैं जब भी कोई दांतों वाला वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर हमेशा ये बात बोलता हूं, आप भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद मैं शुरू करता हूं सीधा मंजन बनाना, कि आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप सुबह में ब्रश करो या ना करो, आप रात में जरूर किया करो, जरूर किया करो, ठीक है। सुबह आप उठ के उंगली से भी आपने अच्छी तरह मसूड़ों को मसाज कर लिया और कुल्ला भी कर लिया तब भी काम चल जाएगा, राइट। लेकिन रात को नहीं भूलना, रात को ब्रश करना ही करना है रात को सोते समय, ठीक है। तो आज का वीडियो पायरिया के मंजन के ऊपर, और साथ में उन लोगों के लिए जिनको किसी भी वजह से, ऐसा नहीं कि पायरिया की वजह से, किसी भी वजह से मुंह से स्मेल आती है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, उनके लिए जबरदस्त फॉर्मूला हाजिर है, आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो मंजन के अंदर हमने इस चीज इस्तेमाल करनी है उसका नाम है हल्दी, राइट, टर्मरिक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। और दूसरी चीज जो आपको इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है सेंधा नमक, राइट। तीसरी चीज जो आपको इसके अंदर डालनी है वो है त्रिफला चूर्ण, राइट। चौथी चीज जो आपको इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है नीम के पत्ते। आपने ना नीम इसमें सूख पत्ते कहीं से भी तोड़ लीजिएगा, मैंने भी ऐसे नीम के पत्ते तोड़ के इसको सुखाया है, तो इसी तरीके से ड्राई हो जाते हैं ये नीम लीव्स, ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है। तो नीम के पत्ते सूखे हुए आपने ले लेने हैं, राइट। इसके बाद आपने पांचवी चीज इसके अंदर जो इस्तेमाल करनी है वो है फिटकरी। फिटकरी जबरदस्त है, आपने ना मेरा एक वीडियो देखना है दांतों वाला, जिसमें मैंने फिटकरी को तवे के ऊपर फुला के, मतलब दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इसको फुला कर लेते हैं, ठीक है। वो आपने प्रोसेस अच्छी तरह से जरूर देख लेना है और फिटकरी को वैसे ही इस्तेमाल करना, राइट। तो ये है फिटकरी। और लास्ट आइटम जो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है लौंग। बड़ी जबरदस्त, छह के छह चीजें मोर देन सफिशिएंट हैं एक अच्छा मंजन बनने के लिए, जो पायरिया जैसी तकलीफों में जबरदस्त जोरदार काम करेगा, राइट। तो कितना कितना लेना है उस पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज हल्दी 10 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, त्रिफला चूर्ण आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेके आइएगा ये भी 10 ग्राम, नीम की पत्ती इसको अच्छी तरह से आपने साफ सुथरी पत्तियां सुखा के और मिक्सी में पाउडर बना लीजिएगा 10 ग्राम नीम की पत्ती, राइट। और 10 ग्राम आपकी फिटकरी रहेगी, लेकिन फिटकरी का जैसे तवे के ऊपर इसको रख के, ठीक है, गरम तवा लेके उसके ऊपर ये रख दीजिएगा, ये पिघल जाएगी एक तरह से, जैसे ये मेल्ट हो जाएगी, आप मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो जैसे ही ये पिघल जाएगी उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए, फिर उसको खुर्च लीजिएगा, खुर्च के जो आपके पास आए वो 10 ग्राम आपने खाली इसके अंदर फिटकरी लेनी है, राइट। और
लॉन्ग के जो पीसेस हैं वो हार्डली 7-8 पीस, ठीक है, 3, 3, 6, 1, 7, ये 7 पीस हो गए, ठीक, बस दैट्स इट। बाकी सारी चीजें 10-10 ग्राम, लॉन्ग आपने लेना है 7 से 8 पीस। अब इन सबको अच्छी तरह से बारीक पीस के छान के आपने किसी प्लास्टिक की डिब्बी में या कांच की बॉटल में इसको संभाल के रख लीजिए। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आपने थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा, जैसे आप मंजन लेते हैं, अब ब्रश से ना कीजिए बल्कि आप मसूड़ों पे मसाज करेंगे उंगली से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मंजन लेके, और सपोज ये आपने, मैं ऐसा मंजन आपका बन जाएगा, राइट, बस इतना सा मंजन लेके और उंगली से अच्छी तरह मसाज करके उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना, दैट्स इट, राइट। ये आपने हर रोज रात को सोते समय करना है। सुबह में आप ब्रश कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ब्रश सुपर सॉफ्ट ब्रश लीजिएगा ताकि मसूड़ों में से खून ना निकले अगर गम्स आपके सोलन है तो, राइट। तो ये आपने रात को सोते समय एक दिन छोड़ के करना है, हर रोज करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 3 बार बहुत है, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। 2-3 हफ्ते के बाद आपको लगे कि हाँ भी ठीक हो गया, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, फिर इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं, कभी दोबारा लगे तो 2-3 साल तक ये खराब नहीं होता, आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, तो अब बारी है कि जिनके मुंह से स्मेल आती है, चाहे वो पायरिया की वजह से है या किसी भी वजह से, अगर मुंह से स्मेल आती है मतलब कॉन्स्टिपेशन को छोड़ के, पेट साफ रहेगा तो फिर तो स्मेल वैसे नहीं आएगी, लेकिन अगर दांतों मसूड़ों की वजह से है तो आपको क्या चाहिए, एक पका हुआ केला बाजार से लेके आइए, और उस केले को पका हुआ चित्री वाला केला चाहिए, कच्चा केला नहीं चलेगा बिल्कुल भी, पका हुआ एकदम जो बस खाने वाला केला है वो वाला, उसका थोड़ा सा पीस लेके अच्छी तरह से रात को सोते समय उसकी मसाज कर लीजिए जैसे मंजन करते हैं, राइट। और बस बाकी बचा हुआ आप थूक दीजिए और 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद थोड़ा कुल्ला कर लीजिए गुनगुने पानी का, दैट्स इट। ये हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए, मैं कहता हूं 4th दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत सारी एड्स आती है ना, पास आओ वाला काम हो जाएगा कि इतनी खुशबू आएगी मुंह से कि आप कहोगे कितने भी नजदीक होके मैं किसी से बात कर लूं तो मेरे मुंह से स्मेल नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये केले वाला आप सिस्टम जरूर कीजिएगा, साथ में इस मंजन को कीजिएगा, बहुत कमाल होने वाली है, राइट। लेकिन रात को ब्रश करना मत भूलिएगा ताकि जो रात भर जो फाइटिंग होती है ना बैक्टीरियाज की वो ना हो पाए, राइट। और बाकी दिनों में क्या करना है, नमक वाले पानी का कुल्ला हफ्ते में 2-3 बार कर लिया करो, जब ठीक हो जाओ तब की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो बेहतरीन बेहतरीन काम हो जाएगा, दांतों की समस्या आएगी नहीं, राइट। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर इंसान का सबका भला हो सके, और खासकर बुजुर्गों का बहुत प्रॉब्लम रहती है दांतों की उनको। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए हमेशा, खुश रहिए, खुश रहिए।